हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना उसके बारे में बताने वाला हूँ। इसके बहुत सारे अलग जैसे मैं राशन कार्ड अपडेट कर रहा हूँ, आय प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, जो भी चीज़ें सारी चीज़ें पर होती है, जिसके लिए हमने ई डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पा रहे होंगे रजिस्टर एट ई डिस्ट्रिक्ट में न्यू यूजर आ रहा है, तो मैं न्यू यूजर पर टाइप कर दूंगा। जैसे मैं न्यू यूजर पर टाइप करता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप आ जाएगा। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पर दो ऑप्शन आ रखे हैं, आधार कार्ड और वोटर आई डी कार्ड। ध्यान रहे दिल्ली का होएगा तो दिल्ली पे करना, दिल्ली का ही डॉक्यूमेंट अप्रूवल है। इसके बाद मैंने इंटर डॉक्यूमेंट नंबर में आधार कार्ड नंबर डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद नीचे हमने कैप्चे में जो हमारा कैप्चे दिख रहा है मैंने वो फिलअप कर लिया है। कैप्चे फिलअप करने के बाद मैं आई एक्सेप्ट करके और मैंने नेक्स्ट कर दिया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है यहाँ पे हमारा। यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेंट, ध्यान रहे जो भी हमारा डॉक्यूमेंट में डाला वही डालना है। फिर जेंडर मेल, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस एंड स्पाउस, पति पत्नी जो भी है उनका नाम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद देख रहे हैं हाउस नंबर, एड्रेस अपना फिलअप कर देना सारा। यहाँ पे रेजिडेंस का जो भी है यहाँ पे सर्च करना है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हो या लोकल में जो भी आपका एरिया हो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने बदरपुर सर्च कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे एरिया आ रहे हैं, आप सर्च करके सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करके नेक्स्ट प्रोसीड कर देंगे। और उसके बाद जैसे आप सिलेक्ट करेंगे सब डिवीजन ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। उसके बाद जब देख पा रहे हो पिन कोड डालना होगा आपको, मैंने पिन कोड फिलअप कर दिया। यहाँ पे एड्रेस के लिए आ रहा है परमानेंट एड्रेस और ये एड्रेस सेम रखना है कि नहीं, तो मैंने इसमें यस कर दिया, तो मेरा वो एड्रेस मैंने डाला, यहाँ पे फिलअप हो गया। उसके बाद ईमेल आईडी, मेल आईडी मैं खुद ही फिलअप कर देता हूँ अपनी ईमेल आईडी। और उसके बाद नीचे आ रहा मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भी मैंने फिलअप कर दिया। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर से नीचे हमें कैप्चा फिलअप करना है और यहाँ पे कंटिन्यू रजिस्टर कर देंगे। देख रहे होंगे आप नीचे, जैसे मैं ये करता हूँ इंटर एक्सेस कोड और इंटर पासवर्ड, ये हमारे मोबाइल नंबर पे आ जाता है। इसका एक्सेस कोड और पासवर्ड दोनों हमारे मोबाइल नंबर पे आ जाता है, पासवर्ड और एक्सेस कोड दोनों चीज़ें, तो हम वो दोनों चीज़ें डाल देंगे इसमें। मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ फिलअप कर दी है और यहाँ पे कैप्चा डाल दिया है। कैप्चा डालने के बाद फिर मैं कंटिन्यू रजिस्टर करूँगा, कंप्लीट रजिस्टर। देख पा रहे होंगे आप जैसे मैं टैप करता हूँ तो मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है सक्सेसफुली। ये सारी डिटेल मेरे सामने आ चुकी है, प्रिंट कर लूँगा इसे। देख पा रहे होंगे आप ये मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। बहुत ही आसान विधि थी, कोई भी कर सकता है, मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर में आप इसे कर सकते हैं बिना देरी के किसी। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।